टेक्निक है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आप मेरे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम रिव्यू करेंगे सोलिस यानवर 5015 ई का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी 5015 की, और यानवर जापान की ब्रांडिंग दी गई है। और वहीं सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग दिया गया विद नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल के साथ में, और वहीं फ्रंट का टायर है वो 7416 का दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रंट साइड से ये ट्रैक्टर है देखने को मिलेगा सोलिस यानवर। और वहीं प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं और ये बम्पर है वो काफ़ी हेवी दे रखा है। एरोडायनेमिक शेप दी गई है बारीक जाली के साथ में, ऊपर भी एयर वेंट है वो देखने को मिलेगा इसमें। तो देखिए टूल बॉक्स साइज का लोहे का दिया गया है। 50 HP का इंजन है, 3 सिलेंडर E3 टेक्नोलॉजी के साथ में 2000 इंजन रेटेड RPM जनरेट करता है। और कुछ इस प्रकार से इंडिकेटर देखने को मिलेगा, हैंडल मिलेगा, 5 साल की वारंटी भी दी गई है इस ट्रैक्टर में किसान भाइयों। तो चलिए देखते हैं इसके ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के किस प्रकार का ड्राइव रिव्यू आता है। तो देखिए डबल प्रोटेक्शन दी गई है फ्यूल टैंक के लिए भी, तो इसका 55 लीटर का फ्यूल टैंक है वो दिया गया है। पावर स्टीयरिंग दिया गया है, मैकेनिकल भी इसमें आपको ऑप्शन है मिल जाएगा किसान भाइयों। डिजिटल मीटर दिया गया है, देखिए टोटल डिजिटल मीटर है वो दिया गया है। इंडिकेटर जलाने के लिए स्विच दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। और वहीं इसमें देखिए साइड मिरर काफ़ी स्टाइलिश दे रखा है, ड्राइव रिव्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, ऊंचाई काफ़ी है ट्रैक्टर की किसान भाइयों। इसमें 10 गियर आगे के हैं और 5 गियर रिवर्स के दे रखे हैं। और वहीं लिफ्ट कैपेसिटी 2000 kg की दे रखी है, और बिल्कुल ड्राइवर सीट के पास में लिफ्ट के लीवर है वो दिए गए हैं। ऑक्सिलरी लीवर भी मिलेगा डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में। और वहीं फेंडर काफ़ी स्टाइलिश दे रखे हैं, मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगा ट्रैक्टर, ऊंचाई काफ़ी है ट्रैक्टर की। और वहीं ड्राइवर सीट है वो एडजस्टेबल दे रखी है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइवर सीट है वो आरामदायक है देर की इस ट्रैक्टर में। और ये लीवर है तो इसके अंदर हाई लो और रिवर्स के लिए दी गई गियर मतलब के। तो इंडिकेटर काफ़ी स्टाइलिश देर के इसमें। और वहीं पिछले टायर है वो 14 और 28 के दिए गए हैं, हैवी ड्यूटी रिम के साथ में, कलर काफ़ी स्टाइलिश दिया गया है रिम का। तो देखिए इसका बैक साइड, तो इसमें क्या है कि PTO है वो 43 HP का दिया गया है। और ये देखिए डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, ऑक्सिलरी लीवर के साथ में बैक लाइट है, उस पर क्रोम फिनिश मिलेगी आपको, काफ़ी बड़ी बैक लाइट दी गई है। और लिफ्ट लिंकेज 3 पॉइंट ADDC टाइप की लिफ्ट लिंकेज है 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में। और वहीं PTO की बात करें तो किसान भाई इसमें 540 RPM का ग्राउंड PTO है वो देखने को मिलेगा 43 HP के साथ में। डबल पंप दिए गए हैं, एक तो है पावर स्टीयरिंग के लिए और दूसरा है लिफ्ट के लिए किसान भाइयों। और इसकी कीमत की बात करें तो 7,30,000 से स्टार्ट होता है और 7,50,000 तक जा सकता है। तो ये देखिए पार्किंग ब्रेक भी मिलेगा, खुला प्लेटफॉर्म दिया गया, ऊंचाई काफ़ी है ट्रैक्टर की किसान भाइयों। इंडिकेटर है वो LED टाइप के इंडिकेटर दिए गए हैं इसमें। तो किसान भाइयों अगर वीडियो में कोई कमी रहेगी या तो क्षमा कर देना और कमेंट में जरूर बता देना किसान भाइयों। और इसमें आपको 14 नौ और 16 नौ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। और इसके टॉर्क की बात करें तो इसका 210 Nm का टॉर्क है वो दिया गया किसान भाइयों 50 HP के ट्रैक्टर में। तो लव यू ऑल, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच के। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज बने हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जाइए और फॉलो कीजिए। तो लव यू ऑल, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।